सो वेलकम टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे अपने सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आज मैंने एक नया ब्लॉग शुरू किया है। मैंने इस पूरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं बोला, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मतलब ऐसा था ना कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था, बट ये था कि ब्लॉग तो बनाना ही था। तो फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन इकट्ठे करी जो नाश्ते के थे, और उसके बाद उन सबको मैंने धोना शुरू किया, क्योंकि हमारे नाश्ते में काफ़ी सारे बर्तन जो है ना वो झूठे हो जाते हैं, और फिर लंच तक उसे रखना में मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब हमारे घर में नहीं रखा जाता ऐसा, तो उसको हाथों हाथ ही निपटा देते हैं। और ये आटे का कठवत है, वैसे इसे कठवत कहते हैं, बहुत सारे हमारे बिहार के जिलों में इसे गमला भी कहते हैं। आपके इधर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुशी सिन्हा 662002 पे जाइए, अभी जाइए वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मेरा डेली रूटीन है। मैं जैसे कभी कुछ स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ तो वो मेरा एक अलग रूटीन होता है, बट दिस इज़ माई ओरिजिनल डेली रूटीन। और ये मेरे दोपहर तक का ही है, रात तक का नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। माय पेरेंट्स सेड कि इतना लंबा वीडियो है, क्या कर रही हो। और मेरे सिबलिंग्स तो कहते हैं कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल चलने ही नहीं वाला, और इतनी लंबी लंबी वीडियो डालोगी तो कभी नहीं चलेगा। सो आई वांट कि चलो कोई नहीं, छोटा सा ब्लॉग बना के देते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं इतना बड़ा वीडियो बनाती हूँ, जब मैं एक सिंगल कोई रेसिपी बना देती हूँ, जैसे मैंने बर्गर बनाया उसका वीडियो इतना लंबा हो गया, बट जब मैंने सारा काम किया तब मेरा वीडियो बहुत कम देर का था। इवन जैसे इन तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बट जब मैंने सच में नॉर्मल भी मैंने जब इसे इकट्ठा किया तो सिर्फ 25 मिनट का था। मैंने कहा सिर्फ 25 मिनट का काम करती थी, आई डोंट नो। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धोए, कभी कभी सिंक भी साफ कर दिया, और आसपास का एरिया जो था वो भी साफ कर दिया, जो कोने में जो खाना पीना होता है वो भी। पहले मुझे बहुत गंदा लगता था कि मैं ये क्यों उठाऊँ, फिर ऐसा लगता है कि अब कि हम वो खाते भी थे तो सिंक में चला गया तो क्या हो गया, वो उसे उठा कर तो फेंक देने से क्या। ये मेरी मम्मी का कहना है कि सारा काम करना आना चाहिए। यहाँ पे किचन साफ़ किया, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाने के बाद, स्पेशली रोटी पराठा बनाने के बाद किचन में वो फ्लोर गिर जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो ये हटा देना चाहिए। और मेरी मम्मी कहती है कि जितना साफ़ सफाई किचन में रहता है उतना ही अच्छा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी खाली कर ली थी, आलू गोभी की सुबह बनी थी, और आलू गोभी की बनी थी, पर इतनी ज़्यादा बन गई थी कि किसी ने ज़्यादा खाया नहीं पराठे के साथ, तो अभी हम उसे लंच में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे मेरी मम्मी दलिया बना के, मेरी मम्मी दलिया भी बहुत बेस्ट बनाती है, तो मेरी मम्मी कहती है तुम लोग मत बनाओ, तुम लोग बड़ा ही गंदा बनाते हो। तो यहाँ पर मम्मी सिर्फ दाल ली है, दलिया लिया है, दाल में मतलब पीली मूँग, हरी मूँग छिलके वाली जो होती है उसके ऊपर थोड़ा सा चार लहसुन ऐसी छील के डाल दिया, एक हरी मिर्ची काट के डाल दिया, हल्दी नमक एंड तेल, इसके ऊपर कोई तड़का वगैरह नहीं लगाएंगे। जस्ट मम्मी को ऐसे हल्का हल्का खाना गर्मी में काफ़ी पसंद होता है, और मेरी मम्मी को कभी भी कोई तामझाम फूड नहीं पसंद, उन्हें बहुत हल्का खाना खाना पसंद है। तो ये दलिया हो गया था, और इसके आसपास का एरिया भी गंदा हो गया था, और जैसे ही मैंने कुकर का ढक्कन हटाया ना वो सीटी भी गिर गई। ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो ये दलिया ना आज थोड़ा गाढ़ा बन गया था, वैसे मेरी मम्मी नॉर्मल कंसिस्टेंसी का खाती है, ज़्यादा पतला भी नहीं खाती, ज़्यादा थिक भी नहीं खाती, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा थिक था, बट कोई बात नहीं, इसको मैंने एक पतीले में पलट लिया। और वैसे ना मेरी मम्मी कहती हैं कि उनकी नानी कहती थी कि गरम गरम खाना कभी भी नहीं पलटना चाहिए, अच्छा नहीं होता, बट जब ज़रूरत हो तो पलट लेना चाहिए, क्योंकि एक ही कुकर है, मतलब कुकर तो हमारे पास 3-4 है, बट ये एक नॉर्मल जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को माँज भी लिया, वरना अगर आप बिना कुकर को माँजे दोबारा खाना बनाओगे तो कुकर को फटने की संभावनाएँ रहती हैं। और ये सारा कुकर भी माँज लूँगी, और उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो दलिया तो मम्मी खाएंगी, तो मैं हम लोग तो दलिया नहीं खाते, मेरे भाई बहनों को वैसे भी दलिया नहीं पसंद। तो हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे हम लोग खाएंगे नमकीन चावल, बट थोड़े अलग फॉर्म में। इसमें हम लोग सोयाबीन आलू नहीं डालेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे सिंपल चना दाल को मम्मी ने सुबह 10 बजे भिगोया था, और अभी मैं लंच बना रही हूँ 1 बजे दोपहर के, तो इतनी देर आपको फुलाना है। और उससे पहले किचन को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर वो ना भारी काम हो जाता है, मतलब मुझे तो नहीं पसंद पर्सनली, मुझे साफ किचन में काम करना पसंद है। मुझे दूसरों की चॉइसेस नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट मुझे साफ किचन में काम करना ही पसंद है, स्पेशली जब मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ। तो गीले कपड़े से एक बार हाथ मार लिया, उसके बाद सूखे कपड़े से मार लिया, और उसके बाद जो मेरा किचन एकदम सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ना रिफाइंड में बना रही हूँ वाला खाना, घी में चलने के बाद, क्योंकि घी ना जल्दी से जल के उड़ जाता है, तो मैं इसे खाती, तो मैं रिफाइंड डालूंगी। उसके बाद इसमें जीरा जाएगा, तेज़पत्ता जाएगा, प्याज जाएगा, आप इसमें प्याज काफ़ी सारे डालोगे ना तो चावल और ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम प्याज लिया था, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें एक तेज पत्ता, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, एक तेज पत्ता और जीरा डालेंगे, और इसमें मैंने खूब सारा प्याज और 3
चार स्प्लिट की हुई हरी मिर्ची रख देती है, वो जो चावलों के बीच बीच में बाइट्स में आती है ना, ओहो उसका टेस्ट सबसे बढ़िया होता है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। और ये चना दाल जो है भीगी हुई, इसको भी हम डाल लेंगे। जैसे आपने प्याज डाला, उसके दो तीन करछी घुमाने के बाद ही आपको चना दाल डाल लेना है। आपको प्याज को अच्छे से भूनना नहीं है, वो पिंकिश रहेगा तभी आपको डाल लेना है, कोई ट्रांसलूसेंट वगैरह कुछ नहीं, ब्राउन वगैरह कुछ नहीं, बस आपको इसे अच्छे से घुमाना है और उसको हल्का सा ऐसे रोस्ट करना है। तो क्या हुआ ना, मेरा भाई आया और वो फ़ोन लेके चला गया पागल, तो उस वजह से मेरा चावल का नहीं डाल पाया। तो चावल को मिक्स कर लेना है, और आपको अगर जैसे उसमें ना मिर्ची डालनी है तो आप मिर्ची डालो, उसमें हल्दी नहीं पड़ता है। आपको अपने टेस्ट को बढ़ाना है तो आप स्वाद अनुसार मिर्ची डाल सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें पानी डाल दो जितना आपके चावलों को रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप इसे हल्का सा घुमाओ, और जो भी चावल जो कुकर के आसपास लग जाता है उसको भी ऐसे नीचे कर लो, वरना वो आधा कच्चा आधा पक्का रहेगा, ठीक है। और पानी जितना ही आप नाप के डालते हो उतना ही बेस्ट है। तो हमारे यहाँ उंगलियों से नापते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल तरीके से बता रही, उंगलियों से नापते हैं। और चावलों में मैंने नमक डाला, और उसको मैं हल्का सा ना से टेस्ट कर लेती हूँ कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि फिर आप जैसे दाल वगैरह में क्या होता है, आप ऊपर से स्प्रिंकल करो तो नमक बैलेंस हो जाता है, बट चावलों में ऐसा नहीं होता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा नमक जो है वो काफ़ी ठीक रहे। उसके बाद 2 चम्मच ऊपर से घी डाल दे ताकि चावल खिले खिले बने, और उसको मैं प्रेशर कुकर में 1 सीटी लाने दूंगी, सिर्फ 1 सीटी, ठीक है। उसी के साथ हम बना लेते हैं रायता। तो मैं यहाँ पे छाछ मंगाई थी, 2 पैकेट मंगाई थी, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है खाने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पाइसीनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 मिर्ची डाली थी, सिर्फ 1 मिर्च, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं डाला, आपके पास अगर खीरा हो तो आप खीरा डाल सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिफ्रेशिंग रायता बन जाता है। और छाछ वाला मुझे काफ़ी पसंद आने लग गया, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे दही का पहले पसंद था, बट अब मुझे छाछ का भी पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का छाछ ऑर्डर किया था, मतलब मंगाया था, ऑर्डर क्या करना। उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी पिसी हुई, लाल मिर्ची डाल दी पिसी हुई, काला नमक डाल दिया, वाइट सॉल्ट डाल दिया, और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। और मिक्स करते करते उसे टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दिया, मैंने ना संडे को जो रायता बनाया था उसकी काफ़ी सारी बूंदी बच गई थी, बहुत ज़्यादा मंगा लिया था, तो ये आज यूज़ भी हो गई और ख़राब भी नहीं हुई। वैसे तो हमारे घर में लोगों को अगर सूखी बूंदी दिख जाएगी तो वो वैसे भी खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद तड़का लगा दिया जीरे का सरसों तेल में, और इससे क्या हुआ, रायता बहुत अच्छा हो गया। आप इसे ढक के रख दो, और ढक के रखने के बाद इसका जो महक है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो कुकर में सीटी भी आ चुका है, अब मैं अपनी मम्मी को खाना दूंगी, जो कि है दलिया। वैसे मेरी दीदी का कल एग्ज़ाम है, वरना वो ही ये सारा काम करती है, मैं नहीं करती हूँ। खाना निकालने वगैरह का काम सिर्फ दीदी करती है, मैं नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पर दीदी का आज एग्ज़ाम था, मतलब कल है, आज क्या है 14 है वेंसडे, तो कल 15 को थर्सडे को उसका एग्ज़ाम है। और मैं सोचा कि जल्दी जल्दी व्लॉग बना के एडिट कर देते हैं, वरना फिर मेरे को कल का भी व्लॉग बनाना है, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए गाइस। सो यस, और मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का ही ठंडा कर लूँ। मम्मी पूछ रही मम्मी घी डालना, तो मैंने बोला नहीं घी नहीं डालना। और ये रायता भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है ताकि हम इसे खाएं। और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मेरे भाई बहन आ गए कि लाओ हमें टेस्ट करने को दो, टेस्ट करने को दो। मेरे भाई बहन ना बहुत ज़िद्दी हैं सच में, छोटे वाले। और ये रहा मेरा नमकीन चावल, इसका खुशबू देख रहे हो, इसका टेक्सचर देख रहे हो, माय गॉड इट्स अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना प्लेट निकाला, अब मैंने दीदी को बोला दीदी मैं अपना प्लेट निकाल रही हूँ, तुम इन लोगों का निकाल दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा है। और मैं तसल्ली से निकाल लेती हूँ ना, सबका निकालते निकालते ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चावल निकाला, उसके ऊपर डाला घी, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी ले ली। वैसे चावल बहुत अच्छे बने थे, गोभी आलू की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं थी, बट हम लोग क्या है बिहारी है, हम लोगों को अगर चावल के साथ कुछ मिक्स करने के लिए नहीं होगा ना तो हमारे को ना खाना ही नहीं उठेगा, सच्ची में कह रही हूँ। उसके बाद पुदीना की चटनी लिया, जो कि हमने कल बनाया था रात को, और थोड़ा सा प्याज लिया, उसके बाद रायता लिया, और उसके बाद आ गए जी अपना खाना इन्जॉय करने। आ जाइए आप लोग भी, आपको भूख लग रही होगी मुझे पता है, मेरे को मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे ना क्या है कि चावल इतने ज़्यादा गर्म थे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस इसी के साथ हम लोगों का ब्लॉग एंड होता है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।